कतेक स्टूडेंट्स है सबके एक ही कंप्लेन जे फी स्ट्रक्चर नहीं बताएल गेल है और सीधे सेमेस्टर छः सेमेस्टर में एकर एग्जाम हेतै जे फर्स्ट सेमेस्टर में 3700 रुपया के मांग कैल गेल है। आप समझ सकै छी जे एगो फ्री कहि कऽ आ 37 × 6 एते पैसा बतने हिनका स्टूडेंट सबके लगते भ सकै है। फ्री सुनकर बहुत गरीब परिवार के जे लोगों से मिलते हैं यहाँ पे कॉलेज का जो लोगों मिलता है कि यहाँ पे कौन कौन सा फैकल्टी उसमें तक मेंशन किया गया है कि फ्री शुल्क पढ़ाया जाएगा। हाँ मानते हैं हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाती है, पेपर्स कलर मिल जाता है फ्री, बट इस तरह से फी स्ट्रक्चर नहीं बताया गया। हम लोग तो आ गए हैं इस तरह फ्री पढ़ाई करने के लिए बट हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। 3700 रुपया अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लगा, 3700 एग्जामिनेशन फी लग रहा है। फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो कहीं हम लोगों से दोबारा ना बोल दिया कि जाए कि हम लोग 2100 रुपया और लग जाए। सब अगर मांग रहा है फी स्ट्रक्चर की है तो कहे छथिन एकर कोनो चार्टे नहीं बनल है, हमरा सबके दे दिल्कि है कि संभावित 3700 रुपया, संभावित 3700 रुपया छे, ठीक छे। हम सब लीगल नोटिस मांग रहल छिए, लीगल नोटिस जखन आर्यभट्ट के इशारा पर चल रहल छै कॉलेज तो आर्यभट्ट के हमरा नोटिस चाही ने। अखन अगर LNMU के अंदर कोनो कॉलेज चल रहल छै तो ओकर अगर कोनो नोटिस निकलै छै तो LNMU के नाम से निकलै छै तो हमरा आर्यभट्ट के नाम से चाही, ओकर कोनो नोटिस नहीं देल गेलै। ओहि पर पैसा लिख कर संभावित द के 3700 रुपया लिख देल ठीक छै ने। रिसीविंग दल के रजिस्ट्रेशन के सौ समय हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज देवे वाला छे, हमरा सबसे लेट फाइन जबरदस्ती हम कहलिए हम नहीं देव, हमरा एना कहल गेल जे अहाँ नहीं देवे तो नहीं देवे तो जाओ अहाँ के नहीं हैत रजिस्ट्रेशन। तक हम फोन पे हमरा फोन में अखनो फोन पे हम एठम का असिस्टेंट के हम पैसा भेजलिए। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोकन देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन हमर उपस्थिति ओ संस्थान में जे मिथिला के जानल जात अछि ओ मिथिला चित्रकला संस्थान में छी, जतऽ सँ कह सकै छी जे रोज के रोज हमरा स्टूडेंट फोन करै छलथि है, किछ स्टूडेंट के आरोप छन जे एतऽ 21 सँ शिक्षा लऽ रहल छथि कला के, आ ओ सब बहुत सारा आरोप लगा रहल छथि जे हुनका सबके फ्री कहि कऽ एडमिशन भेलनि, ओकर बाद रजिस्ट्रेशन में एग्जाम फी बहुत सारा तरीका सँ वसूल कयल जा रहल छै। तो अंदर जाएब और स्टूडेंट सब से बात करब जिनका सबके की आरोप छन, किया आरोप लगा रहल छथिन, की भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है, देखो कंप्लेन करे छथि एडमिशन सबके ल क की भैया की अहाँ के की नाम है की कंप्लेन है। हमर नाम मनोज कुमार झा है और एठम हम डिग्री लेवल आयल छी, लेकिन हमरा सबके पहले नहीं बताएल गेल कि एग्जाम फी एते एते लगते। एठम एक साल में दू बेर एग्जाम होइ छै, एकटा सेमेस्टर के एग्जाम फी छै 3700 रुपया। एहिठाम गरीब बच्चा अबै छै, सबके शुरू में कहल गेलै फ्री छै, लेकिन अतः 3700 रुपया अगर एक सेमेस्टर के लगतै, छोटा सेमेस्टर छै, 3 साल में जोड़ियौ, रजिस्ट्रेशन चार्ज अगर 2100 रुपया छै, गरीब बच्चा एहिठाम अबै छै ओकरा कतऽ से हेतै पॉसिबल। तकर बाद सौ समय कॉलेज एहिठाम हमरा लग प्रूफ मौजूद है, सौ समय कॉलेज रजिस्ट्रेशन पैसा शुल्क लै छै, तकर बाद रजिस्ट्रेशन के कोनो किछु की दै छै ने, किछो किछु नहि दै छै, रिसीविंग नहि दै छै किछु नहि, रिसीविंग देलकै रजिस्ट्रेशन के सौ समय हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज देवे वाला छियै, तकर बावजूद जे छै सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज देवे वाला हमरा सबसे लेट फाइन जबरदस्ती हम कहलिए हम नहीं देव, हमरा एना कहल गेल जे अहाँ नहीं देवे तो नहीं देवे तो जाओ अहाँ के नहीं हैत रजिस्ट्रेशन। तक हम फोन पे हमरा फोन में अखनो फोन पे हम एठम का असिस्टेंट के हम पैसा भेजलिए 1000 रुपया लेट फाइन, तक बाद हम रजिस्ट्रेशन मिला। ओहो रजिस्ट्रेशन के की केना छै, रोज हम सब ऑफिस जाय छी, कोनो किछ जवाब नहीं हमरा सबके देल जाइए जे की छै। जबकि अहाँ टाइम से जे छै से फॉर्म भर कऽ दऽ प्रूफ मौजूद छै ने, देख लियो सारा प्रूफ मौजूद, सबसे पहले हम प्रथम रजिस्ट्रेशन चार्ज देवे वाला छै, तकर बाद जूझ जे छै हमरा लेट फाइन लेल गेल एहिठाम कॉलेज में जबरदस्ती, हम कहा गेलिए तो कहलकै नहीं होगा, तुम नहीं होगा तो नहीं होगा, जाओ नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, कोनो जवाब नहीं, गलती है लेकिन देना पड़ेगा तुमको, ये तो जबरदस्ती वाला गप भेलै ना, मतलब गलती ऑफिस जे छै से मान रहल छथि लेकिन लेट फाइन एक्सेप्ट करता, लेकिन तकर बावजूद जे छै सो ओ पैसा अहीं के भरे पड़त, ई जबरदस्ती वाला गप छै कि नहीं छै। एडमिशन के समय कहल गेल छलै जे जते सेमेस्टर हेतै सबमे 3700 रुपया, कोनो किछु नहि कहल गेल छलै, कोनो किछु नहि कहल गेल छलै। 3 साल के जे सेशन छै ताहिमे 6टा सेमेस्टर हेतै, 1 साल में 2टा सेमेस्टर हेतै, लेकिन फी कते लग रहल छै तकर कोनो डिटेल हमरा सबके नहि देल गेल, रजिस्ट्रेशन जखन भेल रहै तऽ फी स्ट्रक्चर नहि बताएल गेल, कुछ नहि बताएल गेल है। अखनो हम सब अगर मांग रहल छै फी स्ट्रक्चर की छै तऽ कहै छथिन एकर कोनो चार्टे नहि बनल छै, हमरा सबके दऽ देलखिन है कि संभावित 3700 रुपया, संभावित 3700 रुपया छै, ठीक छै। हम सब लीगल नोटिस मांग रहल छिए, लीगल नोटिस जखन आर्यभट्ट के इशारा पर चल रहल छै कॉलेज तऽ आर्यभट्ट के हमरा नोटिस चाही ने। अखन अगर LNMU के अंदर कोनो कॉलेज चल रहल छै तऽ ओकर अगर कोनो नोटिस निकलै छै तऽ LNMU के नाम से निकलै छै तऽ हमरा आर्यभट्ट के नाम से चाही, ओकर कोनो नोटिस नहि देल गेलैए। ओहिपर पैसा लिख कऽ संभावित द के 3700 रुपया लिख देल गेलैए। EWS वाला के हर जगह छूट होइ छै, एतऽ EWS वाला तक के छूट नहि छै।
ठीक छै नै छै छूट हमरा सबके लीगल नोटिस अहाँ दिया तखन नै सबसे पहिले सवाल उठै छै जे एडमिशन के समय फी स्ट्रक्चर नै बतायल गेलै कोनो नै बतायल गेलै अखन तक हम सब मांग रहल छै काल्हि हुनका यूनिवर्सिटी फोन कयल गेलै तऽ कहै छथिन तऽ कोनो स्ट्रक्चर बनले नै छै तखन हमरा सबके कोन इशारा पर हमरा सबके चलबा रहल छी अहाँ यहाँ पे जो टीचर्स लोगोस मिलते हैं यहाँ पे कॉलेज का जो लोगो मिलता है कि यहाँ पे कौन कौन सा फैकल्टी उसमें तक मेंशन किया गया है कि फ्री शुल्क पढ़ाया जाएगा। हाँ मानते हैं हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाती है पेपर्स कलर मिल जाता है फ्री, बट इस तरह से फी स्ट्रक्चर नहीं बताया गया। हम लोग तो आ गए हैं इस तरह फ्री पढ़ाई करने के लिए बट हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। 3700 रुपया अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लगा, 3700 एग्जामिनेशन फी लग रहा है। फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो कहीं हम लोगों से दोबारा ना बोल दिया कि जाए कि हम लोग 2100 रुपया और लग जाए। अभी हम एक सेमेस्टर खत्म करेंगे दूसरे में जाए उसमें भी बोल दिया जाएगा कि री एडमिशन करवाइए। अब तो री एडमिशन हर जगह हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं बोलते कि रीएडमिशन कराने के लिए सर, तो उसके लिए भी फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम लोगों को फी स्ट्रक्चर नहीं पता, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ बोला गया फ्री पढ़ाई होगी, फिर फ्री पढ़ाई के बजाय यहाँ पे सब कुछ के लिए मनचाहा चार्ज आप लगाते जा रहे हो। ना हम लोगों को कोई प्रूफ है, ना हम लोगों को वेबसाइट पे भी तो नहीं डाला गया है। अगर माने हम लोगों को कॉलेज की तरफ से नहीं दिया जा रहा तो वेबसाइट पे भी तो डाल देना, तो वो भी नहीं है। पहले भी मौखिक नहीं कहल गेला, मौखिक नहीं बताल गेला, मौखिक नहीं फ्री स्ट्रक्चर के बारे में किछ नहीं। आज अखन एडमिशन करे नहीं रहिए तो कोन बेसिस पर एडमिशन कर लेला? बस फ्री छै, हम सब तो सोचने रहिए एग्जाम लक अथि एडमिशन भेल रहै हमरा सबके, बस बता रहै जे फॉर्म भरे के 1500 रुपया, ओहो 100 रुपया बेसी बढ़ा के 1600 रुपया लेल गेल रहै ओहि टाइम पर, और एते हमरा सबके पता नहीं रहै तो नहीं तो सक्षम नहीं रहते तो नहीं लेते एडमिशन। फी हर महीना एते एते फी जमा केनाइ संभव नहीं छै हर सबके पास के बात ना। सर्टिफिकेट कोर्स में मैम कितना सर्टिफिकेट कोर्स 3 या 4 रन हो चुका है, अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला है, ना उसका एग्जाम हुआ है, ना सर्टिफिकेट मिला है। अगर यहाँ पे जो पेपर सारे जमा हो जा रहे हैं, आगे हमको हम लोग पढ़ने वाले यूथ हैं, हम लोग आगे और कुछ पढ़ेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे अगर एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, हमारा पेपर जो यहाँ सबमिट है पेपर ही नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? एक बात कहलिए, सर्टिफिकेट ही नहीं, हमारा जो यहाँ तो रियल क्या कहता है CLC और माइग्रेशन लग जाता है। अगर हम आगे फर्दर पढ़ना चाहेंगे अगर वही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से एडमिशन लेंगे? यहाँ सारा पेपर जमा है, 6 महीना वाला कोर्स करके सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा मास्टर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? 6 साल हो गया 6 मंथ वाले का जो सबसे पहले हुआ था, उन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उन लोगों का भी हम लोगों का 2 साल हो गया, हम लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, और 6 मंथ वाले में हम लोगों का CLC ओरिजिनल माइग्रेशन जमा है। अब डायरेक्टर को जाते हैं बोलने के लिए कि डायरेक्टर सर हमको समस्या है, तो बोलते हैं क्या तुम लोगों को समस्या, हम समाधान करेंगे, और उनको अगर कुछ बोले तो जोर से बोलते हैं, ऊपर से बोलते हैं रस्टिकेट कर देंगे। सबसे मेन भ्रष्टाचारी कह सकै छै चित्रकला संस्थान में, जे माइग्रेशन एकटा स्टूडेंट के बहुत ज्यादा वैल्यू राखै छै, जे अतः सँ मान लियो आधा डिग्री लेल दोसर यूनिवर्सिटी में जाइ छथि, कॉलेज में जाइ छथि, तऽ ओ यूनिवर्सिटी सबसे पहले माइग्रेशन के मांग करै छै। आ सबसे मेन अहाँ सब कहि रहल छी जे फर्स्ट बैच भेलै ओकरो सबके सर्टिफिकेट नहि भेटलै या नहि माइग्रेशन भेटलै, या कतेक आदमी एहिमे स्टूडेंट सहमत छी जे नहि भेटल, के छी फर्स्ट बैच के बैच? अहाँ छी फर्स्ट बैच के 19 में सब एडमिशन करें रही है, लेकिन अभी तक हमरा सब के सर्टिफिकेट भेटल है, ने स्कॉलरशिप किछु ने अभी तक क्लियर नहीं भेल छी। तकर बाद हम सब एहिमे डिग्री में वह माइग्रेशन अथी पर डिग्री में तो भ गए, पर नहि सर्टिफिकेट 6 महीना वाला भेटल है आ ने स्कॉलरशिप किछु ने, यानी 6 महीना वाला अहाँके सर्टिफिकेट नहीं भेटल है, अंततः अहाँ डिग्री में आते एडमिशन लेने? कह सकै छी लाचार भ क मान लिया अहाँके इच्छा नहि होता दूसरे जगह करतो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबके कारण आते डिग्री में? हाँ नहीं, ओना डिग्री लै के मतलब डिग्री करे के इच्छा छल, तो इच्छा तो हम कैलहुँ ओला एडमिशन करे, लेकिन 6 महीना वाला अभी तक क्लियर नहीं भेल, क्लियर नहीं देला जे अहाँ ओहिमे निपुण भ गेलहुँ 6 महीना के अहाँ क्वालिफाई कऽ गेलहुँ, ओके ने। आर कोनो स्टूडेंट की कम्प्लेन है? सब स्टूडेंट और कौन स्टूडेंट? हाँ हाँ भैया कहियो। यह सबसे में स्टूडेंट सब के समस्या छे, पेयजल के सेहो बहुत समस्या छे, पेयजल के समस्या ई छे, जतय म्यूजियम छे जे में अखन तक एको आदमी नहीं अबै छे घुरला, ओहिठाम 5-5, 6-6 टा आरो लागल छे, आ संस्थान में देखियो अतेक विद्यार्थी अबै छे एकटा आरो नहीं लागल छे, एकटा चापाकल अहाँके कतौ नहीं भेटत ओहिठाम, जे छे जो स्टूडेंट अहाँ सब घर से पानी लाबै छी जार में अबै छै, ओ डब्बा वाला पानी अबै छै, आ मानि लिअ अखन एलै पानी, ओ 24 घंटा तक वएह पानी ओहिठाम राखल रहतै, ओ पानी की हेतै, गरम हेतै कि नहि हेतै? ओ पानी ओहिठाम विद्यार्थी और के पीबऽ पड़ै छै, पानी नहि रहै छै, बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै,
एक दू दू तीन तीन दिन मान लिया अगर नहीं अलग गाड़ी दिल और दिक्कत हो पानी के आ सके ऑफिस से की मांग जत मांग ये होबाक चाहिए जे फी कम होबाक चाहिए यूनिवर्सिटी के अठम गरीब बच्चा आबे छै सीखक लेल अते अते जे एग्जाम फी रहते त कत से पॉसिबल छै नै त एग्जाम आ पहिले स्टूडेंट के बता दियो स्टूडेंट के पेवे रहते त करते नै रहते त नै करते फी स्ट्रक्चर पहिले एहि समय में अहाँ कहबे एक साल लोग बर्बाद कल के आ कल के जाओ जो करना है करो नहीं करना है नहीं करो जाओ छोड़ के जाओ ई कोनो समस्या छै तू का बताओ लेट फाइन के लेल कॉलेज ऑफिस से पूछो और की जवाब दे से पूछो आउ सके कोनो कंप्लेन है नहीं हम सब अखने नया वाला सर्टिफिकेट कोर्स में हम ऑफिस जाए हम इसके लिए हम लोग डायरेक्टर सर के पास गए सो हम लोग को इतना फीस अगर ऐसा था तो पहले ही हम लोग को दे देते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ फिर वो सर बोले ऐसा जो होता है करना है तो करो लेकिन नहीं करना है तो छोड़ के जाओ हमको उतना टेंशन नहीं दो अगर सर ने इसका समाधान देंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे दो तीन साल से इसमें फंसे हैं किसके लिए जाने के लिए अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें कुछ आगे बढ़ने के लिए ना पेपर फंसा के रखे हैं अगर पेपर देंगे तब ना हम आगे कुछ कर पाएंगे आई फीस जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है सर के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे वही हमारा समाधान एडमिशन करेंगे फ्री सुन कर अगर छे लगे फीस सब में लगे लेकिन सीमित है ना सबके सीमित है सरकारी है तो सरकारी जो कहा है फी देवे ना जो कि गरीब से अमीर सब बच्चा ओ में पढ़ पावे नहीं सब आवे वो सपना लग से हम ऐसे पढ़ब आगे जाए लेकिन आ तो कोई नहीं फ्री के नाम पर सब लूट कुल मिला के हम स्टूडेंट सब के बात सुनल सब गोल मटोल में कह सक फंस चुकल जे एक फ्री इश्तिहार द इनका से के बिना फी स्ट्रक्चर देखे नहीं इनका से के एडमिशन ले जत इनका से के CLC माइग्रेशन जे माइग्रेशन के बहुत ज्यादा महोत्सव फसल हिंदा सब के फी 3700 के मांग कर बाकी हम ऑफिस जाए और ऑफिस के भी जे रूल रेगुलेशन ओ जानब जे आखिर स्टूडेंट कत तक सत छथि और कत तक गलत छथि आ की ऑफिस के रूल रेगुलेशन छै।